जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे भी कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सहर्ष शोभायमान होता है, इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के लिए नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए, दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए, मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। तो ये था माघ मास का 14वां अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।